जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं भावना नीलेश राठी, मैं वर्धा से हूँ। आज इस मास्टर शेफ के कॉम्पिटिशन में मैंने दलिया या चूज किया है, तो उसे मैं बनाने जा रही हूँ लाजवाब दलिया चीज कटलेट। जैसे कि आप सबको पता है, दलिया सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पर बच्चों को दलिया बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने सोचा कि दलिया को कुछ स्नैक रेसिपी में कन्वर्ट किया जाए, तो आज मैं इसलिए बनाने जा रही हूँ दलिया चीज़ कटलेट। चलिए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, तीन छोटे बारीक कटे प्याज, दो चीज क्यूब्स जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, एक छोटी बारीक कटी शिमला मिर्च, आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अपन साइड में रख देते हैं। मैंने 1 कप दलिया लिया है, जिसे मैंने 20-25 मिनट तक भिगो कर रख दिया था। अब वो उसका हम पानी निकाल लेंगे पूरा। अब उसको हम ये मिश्रण में मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करते करते ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला। आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो फॉर एडिशनल फ्लेवर। फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे साबुदाने का पाउडर, जो कि मैंने कच्चे साबुदाने को पीस लिया था। कटलेट बनाते वक्त कभी भी नमक लास्ट में डालना चाहिए, क्योंकि नमक हमेशा नमी छोड़ने लगता है, उससे हमारे कटलेट अच्छे से बनेंगे नहीं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसके हम कटलेट्स बना लेंगे। मैंने कटलेट बनाना शुरू करते हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। अब इसे हम गाजर का शेप दे देते हैं। इसी तरह हम बाकी कटलेट्स भी रेडी कर लेंगे। अब हम सब बाकी कटलेट्स को तल लेंगे दोनों साइड से लाइट ब्राउन होने तक। हमारे कटलेट्स रेडी है। अब हमें कटलेट्स लाइट ब्राउन होने तक तल लेते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म बना कर ही खाइए, ये स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर है। आप इसे पुदीना की चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद आपको मेरी ये डिश पसंद आई होगी। थैंक यू। आज की टिप्स, कटलेट बनाते समय हमेशा नमक लास्ट में ही डालना चाहिए, क्योंकि नमक नमी छोड़ने लगता है।